तो गाइस अपना सब्सक्राइबर को मैं कैसे मार सकता हूँ यार, अपना सब्सक्राइबर को मैं जान बोलता हूँ और इसलिए मैं इसको नहीं मारा। अब पता नहीं लड़का था या फिर लड़की, जो भी हो भाई, मैं इसके ऊपर देखो एम करता हूँ लेकिन इतना ट्रस्ट करता है मेरे। जय सियाराम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग फिर से पुश करने वाले हैं सोलो के अंदर और ये होने वाला है भाई एपिसोड नंबर 11। तो गाइस अभी हम लोग हैं भाई ग्रैंड मास्टर पे 11500 स्कोर पे। तो गाइस इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं इसको 12000 स्कोर। और गाइस सोलो के अंदर हम लोग हैं अभी सोलो इंस पे भाई 89 नंबर पे। तो हम लोग थोड़ा नीचे थे, इतना ऊपर आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ से और ऊपर जाने का ट्राई करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो भाई यार ये था हमारा आज का पहला मैच और इसके अंदर भाई मेरा हो चुका था 3 किल। अब मेरे को छोड़ के भाई एक ही बंदा बच रहा था जो कि सामने के साइड था, ग्लोल के पीछे लगा मेरे को, बस लगा लेकिन था नहीं भाई, इधर ओपोनेंट में था। मेरे को लगा यहाँ पे तो है नहीं तो ऊपर में ही होगा। अब जैसे फायर किया ये बंदे के ऊपर भाई, ये रेड वाला कैरेक्टर लगा लेता है। और भाई ये रेड वाला जो कैरेक्टर है ना भाई, आजकल मैं इसी कैरेक्टर से बहुत बार मर रहा हूँ, सब बंदे मार रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे डर जाता हूँ, कवर में चल जाता हूँ। भाई ना भैया ना, रेड वाला कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, गोली लगता ही नहीं भाई उस पर। हुकुम बनोगे तो लग जाएगा लेकिन इस पर नहीं लगेगा। लेकिन भाई ये कैरेक्टर का एबिलिटी जब यूज नहीं किया तब मैं इसके ऊपर घुस के इसको मारा और पहला मैच हमारा बुया हो गया। तो गाइस ये है हमारा दूसरा मैच और मैं जोन के अंदर से यहाँ पे निकल ही रहा होता हूँ, एक बंदा भाई पीछे से डैमेज देता है। अब भाई 1v1 में तो मैं इसको मार दूंगा, मेरे को पता था, लेकिन मेरे को डर इस बात का था भाई कोई थर्ड पार्टी ना कर दे, लास्ट जोन है, हम दोनों फाइट करने का चक्कर में कोई मौका का फायदा उठा के बुया हाथ से ना चल जाए, यही बात का डर था। लेकिन बंदा को मार के तुरंत मैं भाग के आता हूँ भाई और घर के अंदर भाई पहले बेस्ट को रिपेयर करता हूँ, बेस्ट को। और गैस यहाँ पे दो बंदे फाइट कर रहे थे भाई ग्लोल के पीछे, तुरंत मैं आता हूँ भाई थर्ड पार्टी करने को। तुम्हारा भाई कितना ज़रा थर्ड पार्टी करता है गैस आपको तो पता ही है, बस मौका का तलाश में होता है, कैसे भी मौका मिल जाए फ़ायदा उठा ही लेता हूँ गैस में। तो यहाँ पे एक बंदा था तो भाई इसके ऊपर मैं रस करना नहीं चला था क्योंकि एक एक बुया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी मेरे लिए भाई, अभी के टाइम पे, क्योंकि मैं रीजन से उतर भी सकता हूँ अगर बुया नहीं हुआ तो। गैस ये बंदा को मैं वेट कर रहा था, जैसे जंप करके कवर से निकलेगा ऐसे ही इसको हेडशॉट मार दूंगा बोल के, और मैं जो प्लान किया था वैसा ही हुआ। ये बंदा जंप करके ग्लोल के कवर से निकलता है और इसको मैं हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और भाई यहाँ पे हमारा 2 का स्ट्रीक हो चुका था। अब इस वाले मैच के अंदर देखो गाइस क्या ही सीन होने वाला है भाई, बंदा पैनिक हो जाएगा पूरा, इतना गुस्सा हो जाएगा मेरे ऊपर। यहाँ पे देखो मेरे को पहले थोड़ा डैमेज देता तो भाई मैं ग्लोल के पीछे छुप के बैठ जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद भाई ये बंदा मेरे ऊपर रस करता हूँ भाई, मैं भी इसके ऊपर रस करता हूँ। और भाई मेरे पास यहाँ पे ग्रेनेड था तो भाई ग्रेनेड फेंक के इसको डैमेज देने का कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं ऊपर का एडवांटेज में था और ये बंदा नीचे में था, तो ग्रेनेड अच्छा जाएगा इसके पास। ये बंदा भी एक हाथ फेंक रहा था लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था, लेकिन मैं इसको जो फेंक रहा था भाई 80-80 करके लग रहा था। तो यार यहाँ पे मेरा 4 ग्रेनेड तो ख़त्म हो चुका था, तो भाई मैं इसके क्लोज में जाके सीधा रश करने का सोचता हूँ। लेकिन पता नहीं ये बंदा एम शॉट मेरे को मारने का सोच रहा था, 1 शॉट एम कर रहा था मेरे ऊपर। अब भाई तुम्हारा भाई इतना प्रो प्लेयर कवर थोड़ी ना छोड़ेगा गैस, इसको मार बोल के मौका थोड़ी ना दे दूंगा। लेकिन गैस यहाँ पे मैं जैसे इसके ऊपर रश कर रहा होता भाई मेरा ग्लोल नहीं लगता, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है और ये मेरे को बहुत डैमेज देता है। स्टार्टिंग में मैं इसको इतना डैमेज देता, अब देखो गैस इसका टाइम है, ये मेरे को ग्रेनेड फेंक रहा है इतना सारा। लेकिन गैस तुम्हारा भाई को बचने आता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा भाई। ग्रेनेड अगर कोई बंदा फेंके भाई सीधा उसके पास में क्लोज में चल जाओ, उसका ग्रेनेड कुछ काम का नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर आ गया देखो इसके क्लोज में, अब बंदा जल्दी से निकल और तेरे को मारूंगा, इतना टाइम से मेरा वो हो रहा है भाई, इतना टाइम से टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना लंबा फाइट हो रहा है सोच के मैं यहाँ पर आया। लेकिन गैस ये बंदा जो था भाई बस डर के मारे भाग रहा दूर दूर, मतलब पता नहीं क्या एम कर रहा था, 1 शॉट मार दूंगा सो रहा था मेरे को। लेकिन भाई मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, मैं सीधा इसके ऊपर रस करके घुस के मारता हूँ। मेरे हिसाब से शायद ये बंदा भाई एम शॉट अच्छा चला लेता होगा, एम शॉट मार लेता होगा 1 शॉट, इसलिए एम कर रहा था। लेकिन भाई तुम्हारा भाई इसको मौका नहीं देगा, भले किसी को मार देगा मेरे को नहीं मार पाएगा भाई M2 कभी भी, ग्लोल जब तक है मेरे हाथों में। अब गैस इस वाले मैच के अंदर देखो मेरा हो चुका था 2 किल भाई, कितना प्राउडली बोल रहा हूँ भाई 2 किल भाई लॉबी जब हार आता है ना भाई, बुया के लिए थोड़ा करना पड़ता है सर्वाइव।
एंड किल कम करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट जोन में थोड़ा बहुत किल हमारा हो ही जाता है हर एक मैच में। तो भाई यहाँ पे देखो एक बंदा यहाँ पे जो था, ये भाई मेरा जैसा कैरेक्टर लगाया था एचपी वाला, अब कितना कम कम का इसके ऊपर मेरा डैमेज लग रहा था आप लोग को देख चुके होंगे, इसलिए मैं भी यही कैरेक्टर लगाता हूँ। मेरे को कोई बंदा अगर मार रहा होगा तो भाई उसका भी ऐसे कम कम डैमेज लग रहा होगा। अब यहाँ पे मैं जैसे ही जोन के अंदर आ ही रहा होता हूँ भाई पीछे से एक बंदा मारता है। अब लास्ट जोन में इतने ज़्यादा बंदे और लाइफ है तो भाई चारों तरफ से तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इस वाला क्लिप भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एंड खतरनाक सिचुएशन का है। देखो घर का ऊपर भी एक बंदा है, इसको मैं डैमेज देता हूँ लेकिन भाई नहीं लगता तो छोड़ भाई सोचता हूँ और पहले जोन के अंदर जाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक जोन है। अब भाई ये बंदा को जो देखो यहाँ पे, मैं पूरा इसको रेड नंबर से मतलब एम ऊपर करके मारा था ताकि इसका हेड में लगे, लेकिन मेरा मिशन फेल हो जाता है और मैं कामयाब नहीं हो पाता हूँ और निकल जाता हूँ। यहाँ पे बहुत डैमेज दे जाता कैसे, इसीलिए मैं यहाँ पे ग्लोल लगा के पेक कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदा था भाई। देखो कितना छोटा जोन में इतना ज़्यादा बंदा, चार बंदा अलाइव, मतलब मजाक चल रहा है क्या भाई, इतना छोटा जोन में चार बंदा अलाइव मतलब। इसलिए थोड़ा भाई मैं यहाँ पे होल्ड करने का सोचता हूँ और भाई मैं यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता हूँ और भाई थोड़ा ग्लोल चढ़का के रखता हूँ मतलब टूटा के रखता हूँ ताकि भाई जोन इतना छोटा अचानक से आया तो मैं निकल पाऊँ। और भाई यहाँ पे एक तो ग्लोल फोड़ के रखता हूँ, तो ये बंदे कितना चलाक था, यहाँ पे लैंडमाइन बिछा के गया था लेकिन भाई मेरे को आवाज़ आया लैंडमाइन का, तो भाई मैं फोड़ देता हूँ ग्लोल तोड़ के। अब देखो यहाँ पे भाई चार का चार बंदे बजे थे, एक भी बंदा नहीं मरा था। मैं सोच रहा था मर जा भाई लेकिन एक भी बंदा नहीं मरा था। लेकिन गाइस अभी देखो क्या होने वाला है, ट्विस्ट। यार फिर से यहाँ पे मैंने थर्ड पार्टी कर दिया, दोनों बंदे फाइट कर रहे थे आपस में, मैं थर्ड पार्टी कर लेता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे तो मेरा बुया हो जाता है लेकिन गाइस मेरा माई मिस्टेक मतलब वो रिकॉर्डिंग अपने आप ऑफ हो जाता है, स्टोरेज फुल हो जाता है इसीलिए। तो भाई कितना प्लस हुआ उस वाले मैच के अंदर ये मैं नहीं दिखा पाया। उसके बाद भाई थोड़ा वीडियो वगैरह डिलीट किया, स्टोरेज क्लीन किया, उसके बाद भाई फिर से गेम के अंदर आया और ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना छोटा जोन हो चुका है, कितना बंदा अलाइव था, चार बंदे शायद से था, अभी मैं एक को तो मार दिया। तो भाई यहाँ पे देखो मेरे सामने के साइड एक बंदा था, लेकिन भाई मैं यहाँ पे मैक्सिम नहीं लगाता हूँ आप लोग को पता ही होगा, तो भाई जोन का थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन इन्हेलर मेरे पास जब होता है तो भाई ये भी मैनेज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो मेरे को छोड़ के दो बंदे बड़े थे भाई, ये दोनों बंदे इधर घर के अंदर हैं मेरे को लग रहा था। और यहाँ पे भाई मैं बेस्ट को पहले रिपेयर कर लेता हूँ क्योंकि बेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे घर के अंदर जाने का डिसीजन लेता हूँ, लेकिन उससे पहले ग्रेनेड एक तो फेंक देता हूँ ताकि बंदा अगर ये कोने में हो तो भाई अचानक से मार के मेरे को निकल के हेडशॉट ना मार दे इसीलिए। और ये हॉल के अंदर फेंकने का कोशिश करता हूँ और एक ग्रेनेड, लेकिन भाई ये हॉल के अंदर जाता नहीं, रिटर्न आ जाता है। तो भाई मैं यहाँ पे घर के अंदर घुसता हूँ फाइनली, थोड़ा डर भी लग रहा था भाई लास्ट जोन में क्या होगा क्या नहीं। अब मेरे को पता चल गया कि बंदा इधर से ही आएगा आगे से, लेकिन बंदा पीछे से कहाँ से आता है मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था यार, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन ये बंदा बहुत अच्छा भी था, पीछे से आया, चलो कोई बात नहीं। अब हम दोनों का फाइट देखो कैसा होगा।
भाई यहाँ पे ये बंदा हीलिंग बेटर करेगा नहीं बाहर आएगा सो रहा था, और भाई मेरे पास तो मैक्सिम नहीं है, मैं तो हार जाऊँगा सो रहा था, तो भाई यहाँ पे ग्रेनेड भी मेरे पास नहीं था तो यही फेंक देता हूँ, वो डर के आ जाएगा इधर सोचा, और जैसे ही फेंका भाई बिल्ली जैसे दुम दुमाते भागे भागे आ गया इधर के साइड, और मैं भाई रेडी था हेडशॉट मारने के लिए, जैसे आया भाई ऐसे रेड नंबर से मार के इसको डाउन कर दिया, डाउन नहीं गया पूरा किल कर दिया, डाउन आदत हो गया है उसको छोड़ो। अब भाई इस वाले मैच के अंदर देखो मेरा हो चुका था भाई 8 किल, मेरे को छोड़ के 3 बंदे बज रहे थे, सामने के साइड फाइट हो रहा था, तो भाई यहाँ पे मैं फिर से टर्न पार्टी करने को जाता हूँ गाइस, और यहाँ पे देखो दोनों बंदे को मैं मार देता हूँ भाई दोनों को भाई मतलब लास्ट जो मैं फाइट करके क्या फायदा, देखो ये दोनों आपस में फाइट कर रहे थे, एक दूसरे को किल मिला ही नहीं, दोनों किल मेरे को ही मिला, इसलिए गाइस थर्ड पार्टी करना सीखो, दिमाग लगाना सीखो भाई। हाँ एंड में मोमेंट वगैरह काम देता है, अचानक से कोई बंदा अगर आपके ऊपर रश कर दे तो मोमेंट काम देता है, बट दिमाग भी बहुत ज़्यादा काम देता है। अब दिमाग मोमेंट दोनों अगर आपके पास है तो भाई किंग बन जाओगे आप फ्री फायर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरा कैरेक्टर कितना ज़्यादा काम दे रहा है भाई, अगर शॉटगन से कोई बंदा मारेगा आपको इतना कम डैमेज देगा, इतना कम, अगर M10 होगा तो भाई डोल डोल मारेगा तो भाई मरोगे, लेकिन 2 गोली वाला में कम डैमेज देगा। देखो ये बंदा मेरे को कितना ज़्यादा डैमेज दे रहा है, कितना ज़्यादा गोली मार रहा है, फिर भी भाई मेरा कैरेक्टर रोक दे रहा है। ध्यान देना मेरा EP पे, EP मेरा ख़त्म हो रहा है, लेकिन भाई HP उतना ज़्यादा ख़त्म नहीं हो रहा था। अब ये मैच भी हमारा बुया हो जाता है, इसको इजीली तो नहीं मार पाया, लेकिन भाई बॉडी शॉट कैसे भी करके मार दिया। अब यहाँ पे मेरा जिंदगी में पहला बार यहाँ पे जोन बना है शायद से, क्लास कोड के अंदर यहाँ पे मैं खेला हूँ, लेकिन भाई रियल में गेम के अंदर आज तक BR में नहीं खेला हूँ, यहाँ पे लास्ट जोन ये मेरा पहला ही होने वाला है। अब गाइस M4A1 में जैसे ही मार के मैं इधर के साइड एक आता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक बंदा आ रहा था भाई यहाँ से, इसको मैं मार देता हूँ आराम से। अब मैं पहले से जोन के अंदर क्यों आया था पता है गाइस, क्योंकि सब लोग जोन में आएंगे तब मारूंगा। देखो दोनों बंदे जोन में ही आ रहे थे और दोनों को मैं मारा, और ये लास्ट वाला बंदा जोन में पहले से आ चुका था, लेकिन भाई लास्ट वाला 1v1 में तुम्हारा भाई भाई कैसे मारता पता ही है आपको। अब ये वाला भी मैच हमारा बुया हो गया, यहाँ पे स्ट्रिक हो चुका था कितना वो तो मेरे को पता नहीं। अब ये बंदा का ग्रोजा से रेड नंबर मार के पूरा डाउन करके फिनिश कर दिया, तभी भाई देखता हूँ ऊपर में और एक बंदा होता है, तो तुरंत ग्लोल लगा के इसको ही मार देता हूँ, ये डैमेज था शायद कोई बंदा इसको डैमेज दे रहा था। तो गाइस यार यहाँ से वीडियो एकदम ध्यान से देखना, मेरा हो चुका था भाई यहाँ पे 14 किल, और भाई यहाँ पे ये बंदी को भाई मैं डैमेज देता हूँ बेचारी को, और मैं इसके ऊपर रश करता हूँ भाई ग्लोल लगा लगा के, मेरे को भाई देखो बंदे लोग रिएक्शन दे रहे हैं एंड लाइक भी दे रहे हैं, लेकिन भाई यार ये बंदी के ऊपर मैं जैसे ही रश करता हूँ यार, देखो रश करने के लिए आया भाई, इसको जैसे ही मारा भाई देखो यहाँ पे ध्यान से दो, ये टीमिंग करी थी मेरे ऊपर मेरे साथ, लेकिन भाई मेरा गलती से लग जाता है। अब ये मेरा सब्सक्राइबर था तो मैं समझ जाता हूँ भाई ट्रिमिंग कर रहा है सब्सक्राइबर है, तो गाइस अपना सब्सक्राइबर को मैं कैसे मार सकता हूँ यार, अपना सब्सक्राइबर को मैं जान बोलता हूँ और इसलिए मैं इसको नहीं मारा। अब पता नहीं लड़का था या फिर लड़की जो भी हो भाई, मैं इसके ऊपर देखो एम करता हूँ, लेकिन इतना ट्रस्ट करता है मेरे ऊपर ये बंदी भाई, मैं एम भी क्या होता हूँ लूट फूट सब बंदी फेंक देती है, और एम क्या था फिर भी से वहाँ से नहीं हटी, सोच रही होगी मार देगी तो भी मार देगा चलेगा, इसलिए मेरे को अच्छा लगा। और कैसे बुया तो मैं दे नहीं सकता था क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ आपको भी पता है, तो सोचता हूँ हीलिंग बेटर ही कर ले, और यहाँ पर हम दोनों भाई हीलिंग बेटर कर लेते हैं, लेकिन वो एलिमिनेट हो जाता है और विनर मैं हो जाता, और यहाँ पे ये मैच हमारा बुया हो जाता है। यार अच्छा लगता है यार कोई बंदा अगर सब्सक्राइबर हमारे गेम में मिलते तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा, और अपना सब्सक्राइबर मिलने से खुशी होता है और सब्सक्राइबर को भी शायद से खुशी होता होगा, मतलब मेन बात ये खुशी होता है कि भाई अपना ड्रेसिंग सेंस से मतलब पहचान कैसे गए ऐसे एक तो खुशी होता है। तो भाई यहाँ पे देखो ऊपर में जैसे सीढ़ी में चढ़ के आया, दोनों बंदा को भाई SBD से भाई भी पकड़ के दोनों को मारा, डोल डोल मारा भाई, और ये मैच हमारा बुया हो गया, ज़्यादा मेहनत करने का नहीं पड़ा भाई। और यहाँ पे देखो हमारा कितना ग्रैंड मास्टर का स्कोर हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो गाइस चलो ग्रैंड मास्टर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखो गाइस हमारा फाइनली 12,000 स्कोर हो चुका है, और गाइस बात करें सोलो इंस का तो भाई यहाँ पे देखो सोलो इंस पे हमारा भाई 68 नंबर पे आ चुके हैं। तो गाइस चलो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।